छतरपुर जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खोलता एक नया और बड़ा वाकया सामने आया है, जहां पदस्थ डॉक्टर लखन तिवारी, जो कि हाल ही पूर्व में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भी रहे हैं, आज यहां उन्हीं की मां को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। वो अपनी मां के लिए स्वयं परेशान होते रहे। डॉक्टर लखन तिवारी की माने तो ये जिला अस्पताल का दुर्भाग्य है कि वो इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं और सिविल सर्जन भी रहे हैं। आज जब मुझे अपनी मां के इलाज के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता थी तो उनके कॉल करने पर भी वो नहीं मिली। डॉक्टर लखन तिवारी की माने तो उन्हें एक घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें एक घंटे तक लटकाए रखा कि एम्बुलेंस नहीं है, कोई अन्य वाहन भी नहीं है, अगर है भी तो ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर ने फोन बंद किया और गायब है। फिर परेशान होकर उन्होंने पर्सनल वाहन से मां को जिला अस्पताल लेकर आए तो यहां उन्हें ना तो स्ट्रेचर मिला, ना व्हीलचेयर मिली और ना ही वार्ड बॉय मिला। इस अस्पताल में सिविल सर्जन था, मेरी मां को व्हीलचेयर नहीं मिली अस्पताल में, इससे बड़ा क्या हो सकता है? सर क्या कहना है आपका सर? कुछ नहीं कहना। व्हीलचेयर नहीं मिली, आप सिविल सर्जन रहे अस्पताल में? कुछ नहीं कहना, मैं लिए जा रहा हूँ। नहीं तो आपको क्या कहना है? व्हीलचेयर ना मिलना दुर्भाग्य है ना? अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता कि मैं मां को 85 साल मां को घसीट के ला रहा हूं। छतरपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल है। यहाँ की व्यवस्थाएं दिन ब दिन चौपट होती जा रही हैं। यहाँ पर शुरुआती और जमीनी बेसिक सुविधाओं का टोटा पड़ा हुआ है। यहाँ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस जरूरत पड़ने पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि इन्हें तत्काल मुहैया होना चाहिए। यहाँ सब सुचारू सिर्फ कागजों में चल रहा है, हकीकत में ये है जो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, ये महज वानगी है। मामले रोजाना कई और बहुत से निकलते हैं जो पटल पर आ नहीं पाते। मामला चाहे जो भी हो, पर इतना तो तय है कि वर्तमान में जिला अस्पताल में पदस्थ सीनियर डॉक्टर और पूर्व में सिविल सर्जन रहे डॉक्टर लखन तिवारी को आवश्यकता पड़ने पर व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और वार्ड बॉय मुहैया नहीं हो सके, तो आम लोगों की बेसाथी क्या होगी? आखिर उनका क्या होता होगा? छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।